गाइस, वेलकम टू टूटेल्फ। और आज की वीडियो हम कोई डीआईवाई नहीं बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ क्विक टिप्स फॉर पेपर फोल्डिंग। ये टिप्स आपके ओरिगामी बनाने में काम आ सकती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहली टिप, आप जब भी ओरिगामी में ओरिगामी बनाओ तो फिर आप जो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वो जो टेबल है या फिर जहाँ पे भी आप ओरिगामी बनाना चाहते हो वो चीज तो होनी चाहिए, वो हार्ड होनी चाहिए और एकदम फ्लैट होनी चाहिए। जैसे ये मेरी टेबल है। सेकेंड पॉइंट, जब भी हम जैसे फोल्ड बनाते हैं ऐसे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसे फिंगर से इसको दबा देते हैं। पर कभी कभार क्या होता है, हमें ओरिगामी में शार्प क्रीजेस चाहिए होती है, तो उसके लिए आप अपना थंबनेल लें और ऐसे इसको दबाते हुए चले जाएं। इससे क्या होएगा, पेपर अच्छे से फोल्ड होएगा और ये जो आपकी क्रीज होगी वो शार्प हो जाएगी। आपको आवाज से तो पता लग ही रहेगा कि कितनी शार्प है। थर्ड पॉइंट, आप अपने जो ओरिगामी है उसको बिफोर या फिर आफ्टर ऐसे पेन स्टैंप से डेकोरेट कर सकते हो। ये पेन स्टैंप्स आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएंगे। मैं आपको स्टैंप करके दिखाती हूँ। जैसे कि अभी मैंने लिया है यहाँ पे ब्लैक कलर का है, यहाँ पे स्माइली। मैं आपको स्टैंप करके दिखाती हूँ। और बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, बहुत सारे स्टैंप्स के डिजाइन्स हैं, जैसे कि ये फ्लावर, स्टार, ये ब्राउन कलर का बटरफ्लाई। अब आप ये देखिए कितने अच्छे से स्टैंप हुए हैं और इतने छोटे छोटे, तो आपको स्केच पेन से भी नहीं मिलेंगे। फोर्थ टिप, आप अपने प्रोजेक्ट्स को ग्लिटर ग्लू, विगल आईज, क्राफ्ट फेदर, स्टिकर्स, लीव्स और बहुत सारी चीजों से डेकोरेट कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, आप जब भी अपने क्राफ्ट बनाओ मेरे चैनल पे, तो फिर आप ग्लू, टेप या फिर एक स्टेपलर अपने साथ में लेकर बैठिए। वो हैंडी आ सकता है क्योंकि कभी भी हमें इस ओरिगामी में ग्लू, टेप या फिर स्टेपलर की जरूरत पड़ सकती है। और सिक्स एंड द लास्ट पॉइंट, एडिशनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अगर आपके पास ओरिगामी शीट नहीं है तो फिर आप गिफ्ट रैप, कलर्ड फोटो कॉपी पेपर एंड पेजेस फ्रॉम कैटलॉग्स और मैगजीन से भी क्राफ्ट बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय।